10 paper of business statistics, BCom 3, 4 year semester second examination, session 2023-24, held in July 2024, Faculty of Commerce. Time allowed है 3 hours, 3 घंटे का paper है और maximum marks है इसके 120. इसमें आपको instructions given है, first है no supplementary copies will be given to any candidate, किसी भी candidate को supplementary copy नहीं दी जाएगी. Main answer book दी गई है, उसे ही आपको use करना है. Next is जो short type questions है, उनको आपको sequence से ही लिखना है. और long questions का जो answer है, वो आपको अलग-अलग पेज पे ना देकर एक ही पेज पे देना है. ये instructions given है और roll number लिखना है आपको. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पेपर आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है पार्ट ए बी एंड सी. पार्ट ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का है जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे और ईच क्वेश्चन है 2 मार्क का. तो आपको ये सारे ही क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी है. इसकी वर्ड लिमिट है 20. दैट मींस 2 to 4 लाइंस में आप इसके आंसर्स दे सकते हैं. मीनिंग, डेफिनेशन, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ऑब्जेक्ट्स, एडवांटेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे इसमें. नेक्स्ट है पार्ट बी जो भी 20 मार्क्स का है. उसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं. ईच क्वेश्चन 10 मार्क का होगा तभी आपको 20 मार्क मिलेंगे. वर्ड लिमिट है इसकी 150 वर्ड्स, दैट मींस 15 लाइंस. नाउ नेक्स्ट इज पार्ट सी. पार्ट सी 80 मार्क्स का है. इसमें आपको 4 यूनिट्स गिवन है. 4 यूनिट्स में इंटरनल चॉइस में आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे. हर यूनिट का आपको एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है. दैट मींस आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है, और हर यूनिट को कवर करना है. हर क्वेश्चन आपका 20 मार्क का है. इसमें वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. पार्ट ए में फर्स्ट है राइट टू रीजंस ऑफ डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स डाटा. समंकों के प्रति अविश्वास के 2 कारण लिखिए. स्टेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैबुलेशन. सारणियन के 2 उद्देश्य बताइए. थर्ड इज गिव द डेफिनेशन ऑफ मोड. बहुलक की परिभाषा दीजिए. व्हाट इज रेंज, विस्तार किसे कहते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपने ये देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट्स पूछा गया है, डेफिनेशन, रेंज. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है. इसमें आपको टॉपिक वाइज डेफिनेशन, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट ये 2-2, 3-3 लाइन के आपको याद होने चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. प्रमाप विचलन से क्या आशय है. हाउ इज स्क्यूनेस टेस्टेड. विषमता की जांच कैसे की जाती है. व्हाट इज स्क्यूनेस. विषमता से क्या आशय है. गिव द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट्स. परिघात की परिभाषा दीजिए. व्हेन शुड द रैंक डिफरेंस मेथड बी यूज्ड. कोटि अंतर रीति का प्रयोग कब किया जाता है. व्हाट इज अ टाइम सीरीज. काल श्रेणी क्या है. पार्ट बी जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन द मिसयूज एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सांख्यिकी के दुरुपयोग एवं अविश्वास पर एक टिप्पणी लिखिए. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस. विषमता और अपकिरण में अंतर बताइए. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये दोनों. फर्स्ट हो गया इंडेक्स नंबर से, सेकंड है कोरिलेशन से. पार्ट सी जिसमें फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिस्टिकल एवरेजेस. डिस्क्राइब इट्स चीफ प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन. इसमें सांख्यिकी माध्यम से आप क्या समझते हैं, उसके मुख्य गुणों एवं परिसीमाओं का वर्णन कीजिए. नेक्स्ट इसी में से जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में से थ्योरी भी बना है और प्रैक्टिकल भी बना है. मीन मीडियन मोड ही आपके स्टैटिस्टिकल एवरेजेस है. उसको थ्योरी में भी पूछ लिया और प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया है. सेकेंड यूनिट हाउ स्क्यूनेस इज मेजर्ड. अंडर विच कंडीशन बाउलेस मैथड बी यूज. विषमता की माप कैसे की जाती है. किन दशाओं में बाउले की विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा.
निम्नलिखित समांकों से क्रमांक विचलन की गणना कीजिए। अब यहाँ पे आपको टेबल गिवन है जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। नेक्स्ट इज यूनिट थर्ड, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्करेंट कोरिलेशन, हाउ इज इट डिटरमाइंड, संगामी सहसंबंध का क्या अर्थ होता है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, जिसके ऑप्शन में रिग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको टेबल गिवन है और टू रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट फोर्थ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन द ट्रेंड्स इन टाइम सीरीज, काल श्रेणी क्या है, इनके संघटकों को समझाइए, काल श्रेणी में उपनति निर्धारित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इंडेक्स नंबर से है, जिसमें विशेष आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स को। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है इसमें हर यूनिट में ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन दिया है, दैट मींस जो बच्चे थ्योरी पढ़ के गए हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ है। यहाँ देखिए हर यूनिट में आपका कवर हो रहा है, फोर यूनिट है, फोरों में फोर थ्योरी क्वेश्चन है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो दो ही करने हैं तो ये भी कवर हो गया और ये सारे थ्योरी है। दैट मींस इस साल आपके लिए ये बेनिफिट हो गया कि जो बच्चे थ्योरी करके गए थे उनको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे।